हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए जीके एंड उसके पीवाईक्यू। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने कर लिया है 2021 का प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखना, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर था वो करेंगे, क्योंकि 2016 के बाद 2021 में आया था और अब जो है 2024 में होगा उत्तराखंड पीसीएस का पेपर। ठीक है, अगर आपने इससे पहले हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करके बताते हैं तो और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ और लेके आया जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि जेम्स एंड्रयू रैमसे, जो रियल नेम क्या था उनका, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड डलहौजी का रियल नेम था जेम्स एंड्रयू रैमसे। उसी तरीके से इसमें एक पीवाईक्यू में क्वेश्चन ये भी है कि कौन से जो गवर्नर जनरल थे वो क्रिश्चियन थे। ठीक है, ओनली जो कि क्रिश्चियन थे, बाकी और होंगे बट ओनली गवर्नर जनरल विच इज क्रिश्चियन। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन से थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था कि कौन से गवर्नर जनरल थे जो कि ज्यूइश थे। ठीक है, उसका मुझे आंसर बताइए, दोनों का बताइए। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? बहुत ईजी क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग। ये कहाँ से है आपका? लूसेंट से है डायरेक्ट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी कब फाउंड हुई थी? 1928 में हुई थी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ लगे कि यहाँ पे गलत हुआ है तो आप बताइएगा, हम अपने जो ये वीडियो है उसके नीचे एक मैसेज पिन करके वहाँ पे करेक्शन कर देंगे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी इंसिडेंट? सूर्य सेन। देखिए, काकोरी इंसिडेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि उस टाइम पे ये जो आपका उत्तराखंड था वो यूपी का ही पार्ट था ना, तो यूपी पीसीएस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं काकोरी इंसिडेंट से, तो अच्छे से कर लेना। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंशियंट रेस ऑफ उत्तराखंड? इसमें खासी है शायद आंसर इसका। बैटल ऑफ खुरपुरा वॉज फॉट इन द ईयर 1804 AD। हु डिमांडेड द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फॉर हिल एरिया इन 1946 AD? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, अगेन कोई क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन लगे तो प्लीज़ बता देना आप। अंडर हुज लीडरशिप द मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन वॉज लॉन्च इन द रैनी विलेज ऑफ चमोली? गौरा देवी के अंडर हुआ था, कौन सा? चिपको मूवमेंट। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सगौली टुक प्लेस इन द ईयर 1858। देखिए, 1815 AD में ड्राफ्ट किया गया था लेकिन साइन किया था 1816 AD में। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 1816 नहीं है आंसर, तो 1850 उसका सही आंसर होगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द परमार डायनेस्टी? कनकपाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड फोल्डेड माउंटेन एंड दिस माउंटेन? देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2021 वाले पेपर में देखने को मिला था, इसीलिए पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक लैंड फॉर्म वॉल्केनिक कोन? मैक्सिमम कोस्टल इरोजन किससे कॉज होता है? वेव से होता है। देखिए, ये ना करंट अफेयर्स में भी बहुत आता है क्वेश्चन। ठीक है, विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर? कौन सी है? इसमें ट्रोपोस्फेयर है कि ट्रोपोस्फेयर, स्टेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इस तरीके से होता है। ठीक है, द इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज नियरली कितना है? 40,075 किलोमीटर होता है। इसमें आंसर 40,000 होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट नॉट एसोसिएटेड विद द पैसिफिक ओशियन? तो इसमें आंसर ये है, देखिए, केंद्रीय करंट है, क्योंकि ये अटलांटिक ओशियन से होती है। इन विच ईयर वॉज द सैप्टा साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड? 1993 में हुआ था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए जहाँ पे नॉट आ जाता है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में ना, यही चीज़ आपका क्वेश्चन गलत गला देती है अगर आप सही से नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, बाकी सारे क्या है, नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम है। ठीक है, क्लाउड्स आर द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन? वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? देखिए, दोधी ताल उत्तरकाशी में, बेनीताल चमोली में, देवरिया ताल
आई थिंक इसमें गलत है, देख लेना। अच्छा वासुकी ताल का ना कहीं कहीं कुछ और बता रहा है, उत्तरकाशी बता रहा है, कहीं कहीं रुद्रप्रयाग बता रहा है, तो ये वाले क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वेयर इज खाटलिंग ग्लेशियर सिचुएटेड, तो तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, हमने कराया हुआ है आपको ज्योग्राफी में ग्लेशियर्स वाले पार्ट में ये चीज़। ईस्टर्न धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर, सारे को ये करा चुके हैं हम आपको जीके में उत्तराखंड के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम इन 2016, कौन सा हुआ था, राजा जी नेशनल पार्क हुआ था 2015 में, नोटिफाइड किया था इसे टाइगर रिजर्व, ठीक है, 2015 में किया था टाइगर रिजर्व नोटिफाइड और 2016 में ये इंक्लूड हो गया था प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में, ठीक है। वेयर इन उत्तराखंड इज द कालियासोर लैंडस्लाइड जोन इज सिचुएटेड, कहाँ पे है, बिटवीन श्रीनगर एंड रुद्रप्रयाग। विच एसोसिएशन शोज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंचुरीज फ्रॉम द बेस्ट टू ईस्ट लोकेशन इन उत्तराखंड, केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर एंड अस्कोट, ये क्या है, बेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोआब की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राबी और चेनाब के बीच कौन सा दोआब है, रचना दोआब है। बिटवीन राबी एंड बियास, वारी दोआब। बिटवीन बियास एंड सतलज, विस्ट दोआब। एंड बिटवीन चेनाब एंड झेलम, छजू दोआब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो वेस्टर्न घाट है, वैसे कितनी है, चार है इंडिया में हॉटस्पॉट, हिमालय, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट एंड सुंडरलैंड, ठीक है। देखिए इसमें भी क्वेश्चन आया है कोपन क्लासिफिकेशन से, और आपका 2021 में भी दो क्वेश्चन आए हैं कोपन क्लासिफिकेशन से, ठीक है। एज पर कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल, आंसर है इसका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। अभी हमें बताना है कि कौन सी जो है सोर्स क्या है कौन सी रिवर का, तो देखिए इसमें ब्रह्मगिरी हिल से क्या कावेरी रिवर निकलती है, वेरीनाग स्प्रिंग से झेलम, और महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा, और छोटा नागपुर प्लेट्यू से सुबर्णरेखा, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया, गोदावरी है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ इरीगेशन इन परसेंटेज, पंजाब। इंडियन सैटेलाइट सीरीज विच इज़ यूज फॉर द टेली कम्युनिकेशन सिस्टम इज इनसेट, जो भी रिसर्च स्टेशंस है ना हमारे अंटार्कटिका और आर्कटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें दक्षिण गंगोत्री पूछा है, दूसरे में कुछ और पूछ सकता है, हिमाद्री वगैरह, ठीक है। द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज कोरामंडल कोस्ट, ये देखिए आपके ना ये आपके लूसेंट में भी दे रखे और डायरेक्ट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। विच ग्रुप ऑफ स्टेट रिसीव वाटर फ्रॉम द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सी एम इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, कौन से आर्टिकल के अंडर, 164। हाउ मेनी मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड, 5, ठीक है, 5 हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2021 में भी आया हुआ है एग्जैक्टली। अब कौन सी उसमें है, मैंने आपको बताया था उस वाले पेपर में इस तरीके से, इसका फुल फॉर्म क्या है बताओ मुझे आप। और ये वाली सीट जो है एक सीट है वो रिजर्व है, वो कौन सी सीट है वो बताओ मुझे आप। हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड, टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 70 होते हैं, ठीक है। और एक मेंबर जो है वो गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, कौन सी कमेटी से, कम्युनिटी से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, और वो किस क्या हो गया, अब वो डिलीट हो गया है किससे, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, ठीक है। तो कितने है? पहले 71 हुआ करते थे, अब कितने होगा, 70 मेंबर्स हैं, ठीक है। द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड इन मसूरी, हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, श्री ए पी नवामी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ लेडी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, मिस मार्गरेट आल्वा। देखिए उत्तराखंड में अभी तक 8 गवर्नर आए हैं, तो उसमें से 2 जो थी वो लेडी थी और 6 जो थे वो मैन थे, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। सेकेंड कौन सी है गवर्नर आप मुझे बताओ, सेकेंड लेडी गवर्नर कौन सी है कमेंट सेक्शन में बताइए, कि एक तो फर्स्ट तो मार्गरेट आल्वा थी और सेकेंड लेडी गवर्नर उत्तराखंड की कौन रही हैं, ठीक है।
Which of the following institute are considered necessary to promote unity among diversity in the Indian federalism? तो इसका आंसर जो था वो क्या था, ऑल ऑफ द अबव. अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज गॉट अ स्पेशल स्टेटस, कौन से आर्टिकल के अंडर किया दिया था उसे, आर्टिकल 370. और अब ये क्या है, यूनियन टेरेटरी है, ठीक है. द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल, एक आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 फोर्थ क्लॉज है. देखिए 15 वाला बोलता है कि जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 16 वाला क्या है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा रहा है जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया था इस बार, ठीक है. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेट शेड्यूल ट्राइब कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड, 338A के अंडर हुआ है, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003. द डिमांड फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूएनओ इज मेनली रिलेटेड टू द सिक्योरिटी काउंसिल. इन विच ईयर द फॉर द फर्स्ट टाइम सार्क मीट वॉज ऑर्गेनाइज इन इंडिया, देखिए ये क्वेश्चन आपका 2021 में भी हुआ है, ठीक है. अभी तक कितने, 3 बार हुआ है इंडिया में सार्क समिट, तो इसमें फर्स्ट टाइम 1986 में कहाँ पे, बेंगलोर में हुआ था, ठीक है. इन द ईयर 1997 द वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज इन क्योटो. द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया कंटेन नो फर्स्ट यूज, यूनिलेटरल मोरेटोरियम एंड मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस. इसका मतलब आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव. हु कॉइन्ड द टर्म ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स ना बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, ब्रिक्स से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कभी कभी दो, इस वाले पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और इस बार ब्रिक्स एक्सपेंड हुआ है, ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना उसके बारे में, ठीक है. हु कॉइन्ड द टर्म ब्रिक्स इन 2001, जिम ओ'नील ने किया था, ठीक है. अब इससे ब्रिक्स से रिलेटेड ना आपको इस वाले पेपर में 3 क्वेश्चन मिलेंगे लगभग. द फर्स्ट फेस ऑफ लिबरलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया अंडर द रिजीम ऑफ पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है. अच्छा अभी आप मुझे बताइए कि अभी टोटल जो है कितनी नेशनल पार्टी हैं इंडिया में, कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. और न्यूली कौन सी हुई है, न्यूली सिलेक्टेड कौन सी है नेशनल पार्टी जिसे स्टेटस मिला है नेशनल पार्टी का, ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर डिस्क्राइब द पार्टी सिस्टम प्रिवेलिंग इन इंडिया इन द अर्ली ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एज वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, किसने बोला था, रजनी कोठारी ने बोला था. हु रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी और कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत, देखिए न्याय पंचायत हम कर चुके हैं पॉलिटी में, इंपॉर्टेंट है, किसने किया था, अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था. द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन इन द स्टेट लिस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, किस कौन सा नहीं होता, देखिए पब्लिक हेल्थ, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, सैनिटेशन, ये सारा है, बट मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर सेंटर का रहता है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नहीं रहता, ठीक है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा और उसका सेंटर का रहेगा, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नहीं रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन पंचायत, 243D, ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू सर्विस ओरिजिनेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन. इन द बजट ये बोला है कि बजट 2016-17 में हाईएस्ट अमाउंट किस चीज़ को अलाउट हुआ था, तो देखिए इसमें अभी न्यूएस्ट वाला जो हुआ है आपका बजट जो आया है न्यू बजट, इसमें किसको मिला है बजट, इसमें एजुकेशन को मिला है लगभग कितना, 16% कुछ था, ठीक है. द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज तहरी, तहरी किस पे है, बीलगंगा, और बताइए मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी टू रिवर्स पे सिचुएटेड है. हरेला फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड इज रिलेटेड टू द प्लांटेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट ऑफ उत्तराखंड इज मोस्ट ऑपरेशनल, उस टाइम तो जॉली ग्रांट था, अभी का आप सर्च कर लेना, ठीक है. अगर ये वाले का आंसर आपको मिले कि इस साल जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट इन द ईयर 2023 या 2024 में कौन से एरिया में रहे, तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में.
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन एज पर द सेंसस? रुद्रप्रयाग का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? अगेन ये इसका क्वेश्चन है करंट का। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन? यार इसका आंसर आई थिंक ये होगा या ये है शायद, आप प्लीज़ देख लेना, मैं भूल गई देखना। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो? हरियाणा का, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज के जो नॉन मोनेटाइज कंजप्शन होता है वो ना कैलकुलेट नहीं करते आप, जैसे कि हाउस वाइफ का काम हो गया या कुछ है तो वो आप कैलकुलेट नहीं करते। द अपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर रिफाइनेंस इन इंडिया इज नबार्ड। नबार्ड को कब इस्टेब्लिश किया था, ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है। नबार्ड को कब किया गया था, RBI, SEBI, ये आपको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजी, कब किया गया था, 12 जुलाई 1982। अकॉर्डिंग टू 14th फाइनेंस कमीशन द परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट इन द नेट प्रोसीड ऑफ द शेयरेबल सेंट्रल टैक्स रिवेन्यू शुड बी कितना, 42% बोला है। अच्छा आप मुझे बताओ जो 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है, न्यूली जो अपॉइंट हुए हैं, ठीक है वो बताओ। विच सेक्टर इन इंडिया अट्रैक्ट द हाइएस्ट FDI इक्विटी फ्लो? हमेशा सर्विस सेक्टर ही मोस्टली करता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI? अभी कौन है, शक्तिकांता दास जी हैं, ठीक है। देखो HDI से 2021 में ना आपके 3 या 2 क्वेश्चन आए थे और इसमें भी आया है। देखो कि मैंने वही बोला था आपको जब मैंने वो पेपर कराया था कि आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, बट एक भी मैसेज अभी तक नहीं आया है मुझे उसमें, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग यार जवाब ही नहीं देते, जवाब तो दो एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा बताओ दो, अच्छा इतना बता दो कि अभी तो 2023 वाला इंडेक्स आया है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक क्या है ये बता दो, ठीक है। और इसके इंडेक्स क्या होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडुकेशन अटेंडमेंट एंड पर कैपिटा इनकम। साइज क्या है मार्जिनल लैंड होल्डिंग का इंडिया में? देखिए अगेन मैंने जब आपको ज्योग्राफी में जो वीडियो कराया था एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का उसमें बोला था ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये आया हुआ है, ठीक है। तो कितना है मार्जिनल लैंड होल्डिंग का, अगर आपके पास लेस देन 1 हेक्टेयर है तो मार्जिनल है, स्मॉल आती है 1 to 2 हेक्टेयर के में, और सेमी मीडियम आते हैं तब जब 2 to 4 हेक्टेयर जमीन होती है। इन विच ईयर ब्रिक ग्रुप वॉज फॉर्म्ड एज ब्रिक? देखिए स्टार्टिंग में ना ब्रिक जो 2001 में फॉर्म हुआ था, ब्रिक्स हुआ था, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था इसे 2010 में, ठीक है। अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। द मेन इम्फेसिस ऑफ OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्या होता है, एक तो प्रोडक्शन करना है पेट्रोलियम का और कंट्रोल करना प्राइस किसके, पेट्रोलियम के, तो दोनों है। और अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत न्यूज़ में है OPEC+, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, तीनों चीज़ें इंक्लूड है, क्या नहीं करता, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, इक्विटी नहीं करता, ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक? 189 है, और IMF आया था आपका 2021 वाले पेपर में, तो इसमें कितनी है, 190 मेंबर्स है, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। द इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द SAARC मेंबर कंट्रीज इज सिचुएटेड एट हापुर, ठीक है। कब हुआ था एस्टैब्लिश, 1958 में। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इन टू फोर्स? देखिए एक्ट आया था 2002 में, बट केम इन टू फोर्स कब आया था, ड्यूरिंग 1 जुलाई 2005। TRIMS स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स। जीन क्या है, एक सेगमेंट है DNA का। थैलेसीमिया एक हेरिडेटरी डिजीज होती है जो कि अफेक्ट करती है ब्लड कॉल, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी किसने दिया था टर्म और कब दिया था, नोरियो तानिगुची ने दिया था। ऐसे ही टर्म बहुत आ जाते हैं, कोई पूछ लेता है कि इकोसिस्टम किसने दिया था, ठीक है। बायोस्फीयर टर्म किसने दिया था, और इकोलॉजी किसने दिया था, ठीक है। हॉटस्पॉट, ये सारे आपको पता होना चाहिए। द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड इज लोकेटेड एट ऋषिकेश, ठीक है। और एक अभी रिसेंटली आया आपका AI के फादर कौन है, ठीक है।
विच सेट ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर। निकिल कैडमियम बैटरीज इज यूज इन कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। जो कौन सा एसोसिएटेड नहीं है न्यूक्लियर फ्यूजन से? देखिए बाकी सारी चीज़ें हैं, बट स्टार्स में और सन में क्या होता है? फ्यूजन होता है, फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ये सही हो जाएगा आंसर आपका। सेल्यूलोज एंड स्टार्च बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अगेन मैंने आपको बताया है जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है हमारा लेटेस्ट वाला, लास्ट 10 डेज ऑफ उत्तराखंड पीसीएस, उसमें मैंने आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन किए। 17 मिनट का वीडियो है, तो उसमें देख लेना, 10 मिनट में मैंने ये डिस्कस किया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल जो लाइट और वेव वाला पोर्शन है ना लूसेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन 101% आते हैं। तो देखिए मैकेनिकल वेव से क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है कि मैकेनिकल वेव कौन सी है? साउंड वेव है। ठीक है, बाकी क्या है? EMW है। ठीक है, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10^-9 मीटर। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स। टेफ्लोन कॉमन नेम किसका है? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलाइन का। विच पेयर ऑफ फॉलोइंग इज ऑफ कॉपर अलॉय? ब्रास और ब्रोंज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर टेक प्लेस ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल। देखिए सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, ये वाला पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड पीसीएस के लिए। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर, इनका अच्छे से आप देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है? IUCN। IUCN कब हुआ था एस्टेब्लिश, बताओ आप मुझे। इन उत्तराखंड ओक रोडेंड्रॉन आर कैरेक्टरिस्टिक प्लांट ऑफ। देखिए ओक रोडेंड्रॉन और इसे बुरांश ट्री भी बोलते हैं, ये क्या है? उत्तराखंड का स्टेट ट्री है। ठीक है, तो ये क्या है? टेम्परेट फॉरेस्ट है का एक कैरेक्टरिस्टिक प्लांट है। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क, नेशनल पार्क की बात की गई है तो इन सीटू कंजर्वेशन है। अगर बोलता कि आप मेंटेन कैसे कर सकते हो जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो दोनों हो जाता, इन सीटू भी हो जाता और एक्स सीटू, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे नेशनल पार्क, तो आपका हो जाएगा आंसर इन सीटू कंजर्वेशन। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था आप बताओ जरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग? पैरेलल क्रॉपिंग ऑब्वियसली बात है, जैसे आप दम से समझ रहे हैं कि एक साथ क्रॉपिंग करनी है और किसी भी क्रॉप का किस दूसरी क्रॉप पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना ही कोई न्यूट्रिशन में कमी आ रही, कुछ नहीं हो रहा, तो किसमें? वीट और मस्टर्ड कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत लोग वो करते हैं ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वेब ब्राउजर क्या है? ठीक है, ये सब आपको इसके एग्जाम्पल रट्टे होने चाहिए, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं, तो यूनिक्स है इसमें। ठीक है, बाकी ये क्या है? ये जावा, ओरेकल, ये हो गया आपका वो है लैंग्वेज है। ठीक है, और एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्पल, मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, गूगल एंड्रॉयड ओएस और लिनक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी? तो क्या है? कैशे मेमोरी है। जो कंप्यूटर के नोट्स हमने आपको दिए हैं और जो 2 क्लास ली हैं उसमें मैंने ये आपको बताया है, और ये वाला पॉइंट भी बताया है कि जो टेलीविजन और रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो किसका एग्जांपल होता है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का होता है। ठीक है, एक तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, एक तरफ से इंसान बोल रहा है, दूसरा वाला सुन रहा है, ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे से कर रहे हैं, जैसे TV में बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम भी TV से बात कर सकते हैं और वो सुन रहा है। ठीक है, तो ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया। द सेट ऑफ प्रोटोकॉल विच डिफाइंस ऑल ट्रांसमिशन एक्सचेंज अक्रॉस इंटरनेट इज TCP और IP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफर्ड एज एन इंडिपेंडेंट सर्विस लेयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग? ये क्या है? हार्डवेयर एज अ सर्विस, इसका एग्जाम्पल है नॉट का। ठीक है, व्हेन डिड तेहरी स्टेट मर्ज विद द इंडियन यूनियन? 1 अगस्त 1949 में हुआ था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, UPSC उत्तराखंड PCS का फेवरेट क्वेश्चन है। इन महाभारत व्हाट नेम वर द
कनिंदा किंग्स नोन द्विज श्रेष्ठा के नाम से जानते थे उन्हें, हु इज द व्हाट इज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ उत्तरकाशी, गोबीसन, व्हाट आर किंगरी बिंगरी नेटी माना, ये क्या है, पासिस हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज चिराग चैन रिलेटेड, बैडमिंटन से रिलेटेड है। वेयर इज मोना फेयर हेल्ड, कहाँ पे होता है, पाली पचाऊ जॉनसा रेवाई राबई, ठीक है। हु हैड फाउंडेड द तहरी राज्य प्रजामंडल, श्री दियो सुमन, ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लोक इस्टेब्लिश, कहाँ पे हुई है, तमिलनाडु में हुई है। ये अगेन आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नासाज कैसिनी स्पेस क्राफ्ट इज ऑन मिशन ऑफ ऑर्बिट प्लानट सैटर्न, देखिए अभी ना रिसेंटली चंद्रयान हुआ है आपका और आदित्य L1 हुआ है, तो ये ना ये थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इन विच ईयर वॉज द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 1993, और इसमें अमेंडमेंट हुआ था, एक अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, बताओ कौन से अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है। विच कंट्री हैज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ बुलेट ट्रेन, तो चाइना का है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये अगेन आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विच इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ रेजिंग द फर्स्ट वुमेन्स बटालियन, तो कौन है, CRPF, द कैलाश सैकर्ड लैंडस्केप कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव KSLCDI इज द कोलैबोरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री नेशन, इंडिया चाइना एंड नेपाल। विच इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया टू यूज सॉफ्टवेयर रोबोटिक, किसने किया, ICICI बैंक ने किया, ठीक है। द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इंडियन कंपनीज कैन रेज मनी फ्रॉम ओवरसीज मार्केट इन रुपीज, मसाला बॉन्ड, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा है सेकंड क्वेश्चन में कि चीफ गेस्ट कौन थे 2017 के रिपब्लिक डे में, तो अभी 2024 का जो रिपब्लिक था उसमें कौन थे, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, अगर आप चाहें तो आप 2023 वाला भी देख लेना, ठीक है। बाथुकामा इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, तेलंगाना और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश के भी होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ गिवन द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन द इन 2014, तो ओडिया को दिया गया था। और क्लासिकल स्टेटस की बात करें क्लासिकल लैंग्वेजेस की, तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम, टोटल कितनी है, 6, ठीक है अभी तक। इन विच ईयर विल इंडिया चेयर द प्रेस्टिजियस G20 फोरम, 2022, ठीक है। और अभी 2023 में हुआ था, उस टाइम कोविड की वजह से वो हो गया था, ठीक है। द ब्रिटिश स्कॉलर जीम ओनील हु कॉइंड द टर्म ब्रिक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, देखिए अगेन रिपीट हो गया, ये ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड थे, ठीक है। और इन्होंने और भी टर्म किए थे फाउंड, जैसे कि MIKT, मिंट, ठीक है, इसका आप फुल फॉर्म देख लेना। विच इंडियन साइंटिस्ट हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ रिसीविंग नोबल प्राइज़ के साथ साथ भारत रत्न भी किया था, तो डॉक्टर CV रमन को मिला था, नोबल प्राइज़ मिला था 1930 में और भारत रत्न कब मिला था, 1954 में, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग गॉड वॉज कंसिडर्ड एज अ बार गॉड इन द वैदिक पैंथियन, तो इंद्र को बोलते थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी इन मगधा, महापरमानंदा। हु वॉज कॉल्ड एज अ सेंट्रोकोटस बाय जस्टिन द ग्रीक राइटर, किसको बोला गया था, चंद्रगुप्ता मौर्य को बोला गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट द सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, कौन सा, तक्षशिला नहीं था, ठीक है। द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी वॉज अक्षपाद गौतम, पूरा नाम है इनका। द हॉर्स शू आर्क वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द अलाई दरवाजा, अच्छा अलाई दरवाजा की हाइट कितनी है, ये UPSC में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ये देख लो आप और बताओ कमेंट बॉक्स में, अगर बताना चाहो तो, वैसे तो आप लोग बताना चाहते नहीं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट इज नोन एज द महबूब इलाही, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जितने भी सूफी सेंट्स हैं ना उनको अलग अलग नाम से बुलाया गया है, ऑलरेडी आपका लूसेंट में मेंशन है, ठीक है, तो आप वो देख लेना। सुल्तान हु रेज द लैंड रेवेन्यू टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस वॉज अलाउद्दीन खिलजी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज नोन एज द शान ए फतेहपुर, जामा मस्जिद और फतेहपुर सीकरी को बोलते हैं। हु रोट तबाकत ए अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी थी, और तबाकत ए नासिरी लिखी थी मिन्हाज ए सिराज, ठीक ने। अंडर विच सिख गुरु द सिख वर्ड ट्रांसफॉर्म इन टू द खालसा, गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा था,
बताओ आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी डी एलमिडा को बोल ने दिया था, डी एलमिडा ने. नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बंदी वॉश इन 1760. सबसे पहले तो ये याद रख लो आप कि कब हुई थी बैटल ऑफ बंदी वॉश इन 1760. तो फ्रेंच की साइड से थे काउंट लेली और ब्रिटिश के साइड से कौन थे, सर अय्यर कूट. ठीक है. विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया, चार्टर एक्ट 1813 ने किया था. ठीक है. हु इज रिगार्डेड एज द पियोनर ऑफ इरीगेशन वर्क इन साउथ इंडिया, तो सर आर्थर कॉटन. तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन 2016 के पेपर का. कोई कहीं कुछ गलत हो गया हो तो प्लीज़ आप बताइएगा, वहाँ पे करेक्शन कर देंगे हम. और प्लीज़ आप, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लाइक करना और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका जवाब देना. ठीक है. और बस पढ़ते रहो अच्छे से, आपका जो है अच्छे खासे क्वेश्चन फंसेंगे. हमने जो भी जीके कराया है, पीवाईक्यू जो करा रहे हैं, जो आपको प्रोवाइड किया है मैटर, अच्छे खासे उत्तराखंड के क्वेश्चन फंस जाएंगे. बाकी आप जनरल तो आप कर ही लेंगे. ठीक है. बस पढ़ते रहो अच्छे से. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.